Yerwada Charkha is made by the Gandhiji in Yerwada jail. And the Bhojpuriya painting was made on the Yerwada Charkha and that got the world record in 2021. And the maker of that painting, in other words, artist of the painting, is Sanjeev Sinha ji. He is a great artist and very, very congratulations for West Champaran or Bihar or India or society, and deepest congratulations for our heart to get that. So, pranam barua ke. आ रुआ से कहे चाहे जे थोड़ा सा बताओ जाओ ई का कहे के अपने चाहत रहनी हो जे क्वेश्चन रहल ई यरवदा जेल में यरवदा चरखा बनल का ओकर महत्व रहल कैसे ई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनल. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इंग कोनो चीज ना बनत होई, अगर बनता तो जरूर दुनिया के नजर में होई. अगर दुनिया के नजर में बा भोजपुरी तो फिर भोजपुरी के लोग हे नजर से काहे देखता. आ अगर भोजपुरी के ठीक नजर से देखल जाता तो भोजपुरी के गंदा करे वाला पर कार्रवाई काहे नहीं के हो. पर कार्रवाई कैला से कोनो चीज साफ ना हो जाए. सबसे पहले हमनी के समझे के हमनी के गलती ही बाकी हमनी के खुद भोजपुरी के गंदा कही गया. हमनी के समाज के लोग गंदा ना कहता, दूसर कोई थोड़ी कहता. हमनी के जब औ गंदा गाना गावत है, गंदा गाना नहीं गावत, वो गाना के जगह बदल देले बाड़े. ठीक ना, जैसे हमनी ही डोमकच होला. डोमकच का है पूरा सेक्सुअल आधारित है. अब ओकरा के हम भरण सभा में करे लगे तो गंदा हो जाए, लेकिन वो जहाँ के चीज ओकरा के उजे रह दिया तो ओकर शालीनता बरकरार रहे. यही गड़बड़ हुई बा, कुछ नहीं कह पैलू. दूसर दूसर भाषा में भी जाए कहाँ सेक्सुअल गीत ना हो रहा. हमने के नहीं के समझ में आता, गंदा नहीं के लगा. हिंदी में भी बहुत गंदा गंदा फिल्म बनेला तो लोग देखे ना पूरा परिवार के साथ. हमने के अपन चीज के अपने गंदा करते हैं उकरा के बचावे के लिए. यरवदा चरखा के बारे में, भोजपुरिया पेंटिंग के बारे में कुछ कह जाओ. यरवदा चरखा के निर्माण भई रहे भोजपुर में, गांधी जी के शताब्दी वर्ष मनावल जात रहे. तो हमने के चर्चा भइल कि आखिर का ऐसा कल जाओ, चूँकि शताब्दी वर्ष मनाता तो बहुत उत्सव के बाद बा, सरकार भी ओकरा के नीचे कैले. तो हमने के निजी स्तर पर सृजना न्यास बा, तो सृजना न्यास भोजपुरी कला यात्रा चलावेला. तो हमने के भइल कि ऐसा का कल जाओ कि लोग भी जाने और एक एगो ख्याति भी प्राप्त हो जाए, अंकित हो जाए. तो भइल कि कुछ ऐसा कल जाओ. तो हमने के खोजनी जाए तो गांधी जी जब यरवदा जेल में बंद रहन तो उ एगो चरखा डिजाइन के लिए जोना के पेटी चरखा भी कहल जाला. आ यरवदा चरखा, यरवदा चरखा ऐसे कहल जाला क्योंकि यरवदा जेल में रहन आ वही घड़ी ओकरा के डिजाइन केले रहन. तो हमने के उहे चरखा के विश्व के सबसे बड़ा चरखा बनेनी जाए, 8x24 feet के बाद पूरा चरखा, पूरा चरखा पे गांधी जी के चित्र भोजपुरी शैली में बनावल बा. यही से ओकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनल 2021 में, ओकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनल. आ पूरा मतलब भव्य समारोह भई रहे, हमनी के सब लोग आयल रहे और भई रहे. आ भोजपुरी पेंटिंग में अभी हमनी के कोहबर आ पिड़िया दू गो हमनी के जानल जा, कोहबर आ पिड़िया. कोहबर पिड़िया के अलावे, कोहबर पिड़िया घर दीवार के चीज़ है आ एकरा के बाहर निकाले के पड़ियो से. तब भोजपुरी कला यात्रा के जब शुरुआत भेल तो हमनी के ओकरा में नया विषयन के समावेश कैली जाए, जिसे कोनो घटना घट जाता समाज में, कोनो घटना दुर्घटना या कोनो उत्सव आवता, तो हमनी के ओह विषय पर भोजपुरी फॉर्म में चित्र बनेली जाए. अभी बहुत सारा चित्र एजा लागल भी बा, जो नाम है छठ बा, अभी देखिए चंद्रयान बा, लॉन्च भेल बा, भोजपुरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो हमनी के ई काम कैनी जा. वो देखिए बिहार लिखल पेंटिंग बा, बिहार उत्सव दिवस, तो ई सब चीज़ के काम हमनी के शुरू कैनी जा. और आज भोजपुरी पेंटिंग धीरे धीरे लोग समझाता जानता और हमनी के कोशिश रही ऐसे ही लगातार काम करी जा. और हमनी के पैरेलली बिहार में, चूँकि भोजपुरी कोनो ऐसा अथी नहीं है, बिहार के पहचान भोजपुरी से बा, आ भोजपुरी चित्र ओ लेवल पे आवे एकरे प्रयास हमनी के जाए. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी.